गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी स्वागत है आपका अपने चैनल पर। संगत जी, भाई बहन का जो रिश्ता है वह धरती पर नहीं बनता, यह तो ऊपर वाला ही बना के भेजता है। सारे जो हमें रिश्ते दिए हैं ये ऊपर वाले की ही तो देन है। आज मैं आपको ऐसी साखी सुनाने जा रही हूँ जिससे सुनकर कई संगत भावुक हो गए। संगत जी, एक बार एक सत्संगी परिवार था, उनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। एक्सीडेंट के कारण उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। भाई ने अपनी छोटी बहन को बड़े ही प्यार से बेटी की तरह पाला। भाई बहन बहुत गरीब थे, वे गांव में रहते थे। उनके पास पुरखों की थोड़ी बहुत जमीन थी जिससे उन दोनों का गुजारा चल जाता था। भाई खुद तो नहीं पढ़ा, लेकिन उसने अपनी बहन को बड़ी मुश्किलों से बीए तक पढ़ाया लिखाया। जब उसकी बहन बड़ी हो गई तो उसके भाई ने उसकी शादी करने की सोची, और शादी की चिंता उसे हमेशा सताती थी। वह भाई बाबा जी की फोटो के आगे अरदास करता रहता था कि सद्गुरु, आप मेरी बहन के लिए कोई राधा स्वामी परिवार ढूंढना जिसको खाने पीने का कोई ऐब ना हो। एक दिन शाम को उनके घर के बाहर एक बहुत बड़ी चमचमाती कार दिखी। उस कार में से एक पति पत्नी और एक लड़का निकला। उन्होंने उनका दरवाजा खटखटाया तो भाई ने आकर दरवाजा खोला। घर के सामने इतनी बड़ी कार देखकर वह हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़कर उनसे राधा स्वामी की और पूछा कि आपको किससे मिलना है। तो वे अंकल जी बोले, बेटा हम तो आपसे ही मिलने आए हैं, हमारे बेटे ने आपकी बहन को कॉलेज के किसी फंक्शन पर देखा था, वह उसे बहुत पसंद है, अब उसकी दिल्ली में नौकरी भी लग गई है, हम इसके लिए रिश्ता देखने के लगे थे, तो उसने हमें ये सब बताया कि पास वाले गांव में उसे एक लड़की पसंद है, इसलिए हम अपने बेटे के रिश्ते के लिए आपकी बहन का हाथ मांगने आए हैं। वह भाई हाथ जोड़कर बोला, अंकल जी आप कहाँ और मैं कहाँ, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं अपनी बहन की शादी में कुछ देन लेन नहीं कर सकता। तो वह अंकल जी बोले, हमारे पास बाबा जी का दिया सब कुछ है, हम तो बस तीन जोड़े कपड़े में ही अपनी तुम्हारी बहन को लेकर जाना चाहते हैं। शादी के बाद दोनों बच्चे खुश रहे, इसके अलावा हमें क्या ही चाहिए। तो भाई बोला, क्या आप भी राधा स्वामी हैं? उन्होंने कहा, हाँ भाई हम भी राधा स्वामी हैं। भाई बोला, मैं भी बाबा जी से हर समय हाथ जोड़कर यही अरदास करता हूँ कि मेरी बहन का रिश्ता एक अच्छे से राधा स्वामी परिवार में ही करवाना। देखो आज सदगुरु की इतनी मेहर हुई कि उन्होंने आपको भेज दिया। अंकल जी बोले, हाँ बेटा यह सब बाबा जी का ही दिया हुआ है। साहूकार से कुछ पैसे उस भाई ने उधार लिए और अपनी बहन की शादी कर दी। लड़की शादी के बाद दिल्ली शहर में अपने पति के साथ रहने चली गई। शादी के कुछ समय बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उस लड़की ने अपने भाई को फोन किया कि भैया हमारा शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है, तुम यहाँ आओगे ना मुझसे राखी बनवाने के लिए। भाई सोच में पड़ गया, बोला, हाँ बेटा मैं जरूर आऊंगा। यह कहकर वह सोच में पड़ गया और बाबा जी की फोटो के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया कि अब आगे क्या करना है, और कहने लगा, बाबा जी मैं बहन के घर पहली बार जाऊंगा, ऐसे खाली हाथ कैसे जाऊं। वह गांव में साहूकार के पास गया कुछ पैसे उधार लेने। साथ संगत जी आप जानते ही हैं कि अब बहन बेटी के घर खाली हाथ तो नहीं जाया जाता। साहूकार ने शादी में ऑलरेडी पहले ही पैसे दे रखे थे तो उसने बोला, पहले जो मैंने तुम्हें कर्ज दिया है वह अभी तक चुकता नहीं हुआ है, पहले उसे चुका दो।
उसने साहूकार को बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन साहूकार ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। उसने घर आकर देखा और सारे छोटे बड़े नोट सिक्के मिलाकर इकट्ठे किए तो 500 रुपए ही निकले। उसने अपने दोस्त को ऑनलाइन दिल्ली की टिकट बुक कराने को कहा तो लड़का बोला, भाई एसी ट्रेन में आने जाने पर आपको 500 रुपए टिकट लगेगी, कहो तो मैं आपकी टिकट बुक करवा देता हूँ। वह बोला कि आज नहीं, मैं कल तुम्हारे से टिकट बुक करवा लूँगा। उसने कहा, अंकल जी जल्दी बुक करवा देना वरना बाद में टिकट नहीं मिलेगी। वह अपने दोस्त के घर दोस्त से 2000 रुपये उधार लेने गया तो दोस्त ने कहा कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपये हैं, अगर कहो तो यह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर मैंने भी अपनी बहन के लिए कुछ लेना है। अब त्योहारों का समय है तो हर किसी की ज़रूरत होती है। तो अपने दोस्त के घर से उसने एक साइकिल देखी। वह अपने दोस्त से बोला, ये साइकिल तुम्हारी है? तो दोस्त ने कहा, हाँ भाई यह मेरी ही साइकिल है। वह दोस्त से साइकिल ले आया और जो उसके पास पैसे थे उन पैसों से बहन के लिए एक साड़ी और कुछ मिठाई ले ली। बाबा जी का नाम लेकर वह साइकिल पर ही दिल्ली के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उसकी बहन का फोन आया, भैया आपने ट्रेन पकड़ ली? तो वह लड़का बोला, हाँ बहन मैंने ट्रेन पकड़ ली। और उसने अपनी बहन को नहीं बोला कि वह साइकिल से आ रहा है। तो उसकी बहन पूछने लगी, भैया आप कहाँ पर हो, कौन सी ट्रेन आपने पकड़ी है? तो वह बोला, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। बहन ने कहा, किसी से पूछ कर बताओ। तो बोला, सब ठंडी के मारे चादर ओढ़ कर सो रहे हैं। तो बहन बोली, आप एसी वाले डब्बे में हो? तो वो बोला, हाँ। उधर बहन सुबह से शाम तक भाई का इंतज़ार करती रही पर भाई नहीं गया। वहाँ बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी रही और बोलने लगी कि सदगुरु मेरे भाई का ख्याल रखना, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसने अपने पति को फ़ोन किया कि भैया अभी तक नहीं आए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप जाकर पता कीजिए। उसी समय डोरबेल बजी और उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उसका भाई खड़ा था। वह बोली, भैया आप ठीक तो हो? मेरे मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे, पता नहीं मैं भी क्या सोच रही थी। तो उसने अपनी बहन को पानी लाने के लिए कहा। वह 2-3 गिलास पानी पिया और साइकिल चलाकर वह बहुत थक गया था तो उसकी हालत भी ख़राब थी। थोड़ी देर में उसका पति घर आया। वह बोला, ये साइकिल किसकी है, तुमने किसी को बुलाया है क्या? वह बोली, नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। तो उसने पूछा कि भैया आए हैं, वॉशरूम गए हैं? वॉशरूम में से जब वह भाई बाहर आया तो बोली कि भैया आप कौन सी ट्रेन से आए हो? उसने अपना सर नीचे कर लिया। वह बोली, भैया आपने मुझसे झूठ बोला, आप साइकिल से आए हो वो भी इतनी दूर, और आपने मुझे बताया तक नहीं। यह देखकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वह भाई बोला, बेटा तेरा भाई बहुत गरीब है, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह ट्रेन से आ सकता। बहन बोली, भैया आप मुझे फ़ोन कर देते, मैं आपकी टिकट बुक करवा देती, यह पहला त्यौहार था तो आना भी ज़रूरी था। तो भाई बोला कि तेरा भाई इतने भी कमज़ोर नहीं कि बहन के पैसों से कहीं आए जाए। तो वह बोली कि भाई आपके अलावा मेरा है ही कौन? तो उसका भाई जवाब देता है कि तू भूल गई मैं कैसे तेरे को एक गांव से दूसरे गांव मेला दिखाने लेकर जाया जाता था। यह सुनकर वह लड़की और रोने लगी। तो भाई बोला, अब रोती ही जाओगी या राखी भी बांधोगी? फिर बहन ने भाई की आरती उतारी और उसकी कलाई पर राखी भी बांधी। संगत जी, यह सबके बाद वह भाई रात को बहन के घर रुका और सुबह वापस चला गया और बाबा जी को बार बार शुक्र अदा करने लगा, कहने लगा कि मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना
और शुक्र है तुम्हारा जो आपने मेरी बहन के लिए इतना अच्छा घर ढूंढा। संगत जी, आशा है सभी बहन भाइयों का प्यार यूं ही बना रहे। साकी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।